कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे पीसीसी चीफ करण महारा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गंभीर अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण प्रदेश में अपराध और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। करण महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी के नाम महिला उत्पीड़न के मामलों में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, साथ ही दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। और मैंने कहा, जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व तो जब ठीक नहीं होता तो नीचे भी स्थितियां वही आती है। अब इसमें चाहे आप यतीश्वरानंद जी का वो बयान कि गोली मार देनी चाहिए थी, डूबने नहीं देना चाहिए था, पुलिस ने देख लिया था तो गोली मार देनी चाहिए थी, ये बयान ले लीजिए, या हॉर्टिकल्चर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कि सीबीआई जांच हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाए अपराधी को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, तो इससे बड़ी बान के और क्या देखेंगे। सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली सरकार ने जो हनुत साहब का जो अपमान किया, वो सरकार ने उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया, वो भी मामले आप लोगों ने खूब दिखाए, खूब छापे हैं। हालात ये हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि कोई सरकार है, कोई आदमी खैर ख्वाह है इस देश का, इस प्रदेश का। और जिस तरीके की टिप्पणियां आप कप्तान लोग खुलेआम कर रहे हैं कि पुलिस ने ठेका नहीं ले रखा, जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, रेप जैसे केसेस के मामलों में जब लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अन्य बहुत सारे